हेलो एवरी वन आई एम तृप्ति मिश्रा एंड टूडे इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज द एज ऑफ सोशल चेंज सामाजिक बदलाव का युग दिच इज रिलेटेड फ्रॉम एस एस टी चैप्टर टू सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं कि सामाजिक बदलाव का युग में क्या क्या चीजें हुई थी तो वी आर गोइंग टू रिकॉल द स्टोरी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन हम फ्रांसीसी क्रांति की स्टोरी को रिकॉल करने वाले मीन्स उसकी जो कहानी थी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कैसे मींस रिवॉल्यूशन होता हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं सो so हमने क्या क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि लोइसिक्सटीन सेवनटीन सेवनटी फोर में किंग बना था किंग बना था उसके बाद उसने देखा था कि उसका जो ख़जाना था वो पूरी तरीके से खाली था उसका खजाना किस किन किन वजहों से खाली था उसका ख़जाना सो so, अगर हम सामाजिक बार, रूप से देखें तब भी खाली था पॉलिटिकल मतलब उसके खजाना खाली होने के बहुत अलग अलग कॉजेज थे जैसे कि बॉबन फैमिली का जो लाइफस्टाइल था वो भी बहुत ही ज्यादा मीन्स हाई फाई क्लास में रहते थे इसीलिए इस वजह से खाली था सामाजिक तरीके से देखें तो जो मीन्स वो फ्रांस था वो पूरी तरीके से कर्ज में डूबा हुआ था इसीलिए जब खजाना खाली था तो लुईसटीन ने क्या किया लोईस सिक्सटीन ने टैक्स को ज्यादा बढ़ाया लेकिन टैक्स को वो किस तरीके से थर्ड मीन्स जो तीसरा स्टेट था उसी के ऊपर डालता था कैसे जो फ्रांस था उसमें जो ईस्टेट्स थे मीन्स वो तीन तरीकों में डिवाइडेड थे पहला था क्लर्जी दूसरा था नोबेलिटी और तीसरा था जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से मीन्स बिलोंग करते थे और जो कि छोटे मोटे लैंड ओनर्स होते थे या फिर जो क्राफ्ट्समैन होते थे या फिर जो अलग अलग टाइप्स के वर्क करते थे शू मेकर्स होते थे यही सब होते थे उसमें जो, जो क्लर्जी था वो भी 10 लेता था वो भी थर्ड स्टेट से लेता था नोबेलिटी था वो भी मींस थर्ड स्टेट पे थर्ड स्टेट के जो छोटे छोटे पुअर पीजेंट्स होते थे उन्हें अपनी फील्ड में वर्क करवाता था तो इससे क्या होता था थर्ड स्टेट मीन्स जो थी वो बिल्कुल भी

टैक्स मीन्स ज्यादा बढ़ाने से मना कर दिया और जब लोईसिक ने उनकी बात नहीं मानी थर्ड स्टेट की बात नहीं मानी तो वो लोग वहां से चले गए उन्होंने अपनी नेशनल असेंबली बनाई अपनी असेंबली बनाई अपना कॉन्स्टिट्यूशन लाया कॉन्स्टिट्यूशन लाने के बाद उन्होंने वहां से मोनार्की हटाई मोनार्की हटाने के बाद रिपब्लिक आया रिपब्लिक हटने के बाद डायरेक्टरी रूल आया उस वो भी बाद में हटे गया था और नेपोलियन का रूल आ गया था तो हमने इसमें देखा कि कैसे मीन्स फ्रांस फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कैसे लोगों ने अपनी मीन्स एजुकेशन के थ्रू एजुकेशन कैसे लोगों ने अपनी भागीदारी दिखाई भागीदारी दिखाई भागीदारी किस चीज में दिखाई दिखाईदारी दिखाई उन्होंने एक दूसरे के साथ पहले एकता रखी फिर वो लोग एजुकेटेड थे वो वो लोग प्रॉस्पेरस थे उन्होंने उस उस चीज चीज का अपोज किया के जब वो खिलाफ गए तो राजा को झुकना पड़ा या बाद में राजा का शासन काल भी हट गया तो जो ये, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन था इससे क्या हुआ ये बहुत ही ज्यादा मेन रिवॉल्यूशन था इससे क्या हुआ एक आइडिया स्प्रेड हुआ कैसे आइडिया मीन कैसा आइडिया स्प्रेड हुआ आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड

फ्रांस के रिवॉल्यूशन के बाद यूरोप के लोगों ने या फिर रशिया के लोगों ने ये सोचा कि जब ये मीन इस देश में लोग रिवॉल्यूशन करा के टैक्स कम करा सकते हैं मोनार्गी हटा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ला सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते तो वो जो लोग थे जो थे, जो रशिया थे यूरोप के लोग थे उससे कैसे आइडिया स्प्रेड हुआ है मीन्स तो जो लोगों की बातचीत थी ना इनमें धीरे धीरे ये मीन्स बातें आने लगे कि नहीं हम आजादी कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम समानता कैसे ला सकते हैं मीन्स हमारे देश में समानता कैसे आएगी हमारे देश में हमें ही

ऑफ चेंज इन द सोसाइटी हम की कैसी संभावना को बनाया कि हम अपने समाज को जिस समाज में हम रहते हैं हम उसी को बदल सकते हैं भला हम उसे कैसे बदल सकते हैं हम उसे अगर हम सब लोग एकता मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर किसी चीज़ के खिलाफ अपोज करें तो जो राजा होगा उसके में नहीं चलेगी उसकी क्यों नहीं चलेगी क्योंकि वो राजा जब तक मोनार्की में है तब हमसे मन हम पे सब डालता रहता है हम पे मीन टैक्स ज्यादा बढ़ा बढ़ा के डालता रहता है अपना खजाना भरने के चक्कर में वो जो गरीब लोग होते हैं उन्हें भी प्रॉस्पेरस नहीं बनने देता लेकिन अगर लोगों ने इसका अपोज किया इसका विरोध किया तो क्या होगा तो ये होगा कि मोनार तो हटेगी हटेगी कॉन्स्टिट्यूशन आएगा इक्वालिटी आएगी लोगों के बीच में समानता होगी ना कोई अपर स्टेट ना कोई लोअर स्टेट कुछ नहीं होगा डेमोक्रेटिक राइट्स में लोकतांत्रिक अधिकार मिलेंगे कि अगर कंस्टिट्यूशन में भी कोई चीज हमें सही ना लगे तो हम उसके ऊपर मीन्स अपने अधिकारों के प्रति हर एक का इंडिविजुअल अधिकार होगा मीन्स की हर एक व्यक्ति का अधिकार है हर एक व्यक्ति वोट दे सकता है यही सब बातें लो, जब लोगों के बीच में होने लगी तो इसी से ये संभवता हुई थी जिससे क्या इम्पैक्ट पड़ा

मीन्स जो कुछ लोग थे यूरोप में वो चाहते थे कि जो चेंज हो वो धीरे 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 बदलाव हो तो जो धीर, जो लोग चाहते थे कि धीरे धीरे बदलाव हो वो कहाँ से संबंधित रखते थे मीन्स वो किस मतलब वो कौन थे वो लोग एरिस्टोक्रेसी थे एरिस्टोक्रेसी मीन्स वो लोग राजा से संबंधित थे या फिर राजा से संबंधित कोई राजपुरोहित या फिर कुछ भी हो गए तो वो जो लोग थे वो क्यों चाहते थे कि धीरे-धीरे चेंज हो क्योंकि उनके पास पावर थी जब किसी के है, वो जो थे, उन्हें हम कहते है, मैं आपको बता देती हूँ so, ये ग्रेजुअल चेंज चाहते थे वो इसलिए चाहते थे क्योंकि उनकी जो पावर है वो धीरे धीरे खत्म हो ये नहीं कि एक बार में खत्म हो जाए अब हम बात करेंगे और कुछ लोग चाहते थे कि जो बदलाव हो वो रात और रात हो जाए मीन्स और रात राजा की मोनार्की राजा हट जाए उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए उसके बाद मीन्स

थे कि चेंज आए चेंज आए लेकिन ये लोग पूरी तरीके से बदलाव नहीं चाहते थे इनके ये पूरी तरीके से एक तरीके से कह रहे हम तो डेमोक्रेट्स नहीं थे डेमोक्रेट्स नहीं थे इन पे इनके भी कुछ-कुछ अलग-अलग विचारधाराएं थी तो ये जो तीन मींस ये जो ग्रुप के पीपल थे जो लोग सोचते थे अपने आइडियाज को उन्हें तीन तरीकों में बांटा गया था तीन कैटेगरीज़ कर दी थी कर दी गई थी कंजर्वेटिव्स में राजकीय लोग आते थे राजकीय लोग इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि उनकी पावर डिवाइडेड हो जाती है रेडिकली लोग ये चाहते थे कि जल्दी जल्दी एकदम सब जल्दी में हो जाए और लिबरल्स ये ये चाहते थे कि नहीं चेंज हो लेकिन पूरी तरीके से बदलाव ना हो पाए मीन्स ये ये लोग पूरी तरीके से डेमोक्रेट्स नहीं थे जैसे कि आप आने वाले वीडियो में जानेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो